दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Asus की तरफ से आने वाले Vivo Book Pro OLED लैपटॉप की, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है M3400QA और ये सिल्वर कलर का है। इसमें एक ब्लू कलर का भी वेरिएंट आता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार देख लेना कलर वो। तो सबसे पहले हम इसका बूट टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कितने सेकेंड्स में ये हमें डेस्कटॉप पर भेज देता है। तो 10 सेकेंड्स लगते हैं इसे डेस्कटॉप पर आने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। अब एक मिनट डालते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी पर। तो गाइस, लैपटॉप की लिड जो है वो प्योरली मेटल बिल्ड है। इसका मतलब है जब आप इसे टच करते हो तो काफ़ी ठंडा लगता है, बहुत ही थिन डिज़ाइन है। इसके अगर वेट की बात करें तो वेट इसका 1.4 kg का है, तो कैरी इसे आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। बॉडी के नीचे साइड की बात करें तो हमें एक लार्ज वेंट देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड हमें एक वेंट हिंज के पास में भी मिल जाता है। चेरी ऑन द केक इज दैट दिस लैपटॉप हैज गॉट ड्यूअल फैन, मतलब डेडिकेटेड GPU नहीं है इसमें, इसके बावजूद भी इन्होंने ड्यूअल फैन दे रखा है। पीछे का हिस्सा पूरा प्लास्टिक है, बेसिकली लैपटॉप में लिड को छोड़ के बाकी सब प्लास्टिक बिल्ड है, पर कोई चीप बिल्ड नहीं है। इनफैक्ट इट लुक्स रियली प्रीमियम। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी दी गई है। अब फटाफट मेरा फेवरेट टेस्ट कर लेते हैं, जो कि वन फिंगर ओपनिंग टेस्ट है। देखते हैं ये लैपटॉप एक उंगली से खुल जाता है या नहीं। वेल, सरप्राइजिंगली इट पास्ड, दैट्स कूल। Asus ने कुछ चीज़ें यहाँ स्टिकर पर मेंशन कर रखी हैं, जैसे इन्होंने माई Asus एप्लीकेशन, जो कि एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, जब आप इस लैपटॉप को सेटअप कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप पर मिलेगी। तो उस Asus माई एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, जैसे आपके बैटरी से रिलेटेड कस्टमाइज़ करना, फैन से रिलेटेड कस्टमाइज़ करना, OLED डिस्प्ले से रिलेटेड कस्टमाइजेशन करना। और इसके साथ ही दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, जैसे GlideX, इसका जो प्रो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको एक साल का मिल जाता है फ्री में। MacCafe का 1 month का मिलता है फ्री में। Dropbox का 6 months का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है। इसके साथ ही वारंटी अपग्रेड करने का भी यहाँ पे दे रखा गया है। स्टिकर पे मेंशन चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब एक नज़र मार लेते हैं लैपटॉप की पूरी स्पेक्स पर। इस लैपटॉप में हमें AMD Ryzen 5 5600H 6-core 12-thread वाला प्रोसेसर मिलता है, जो मैक्स बूस्ट अप टू 4.2 GHz तक हो सकता है। ये प्रोसेसर जनरली मिड सेगमेंट में आने वाले गेमिंग लैपटॉप में हमें देखने को मिलते हैं। इसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। इसमें रैम हमें 16 GB की DDR4 मिल जाती है, जो कि थोड़ा डाउन साइड लगा, क्योंकि DDR5 होना चाहिए था, पर वही है, इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी रैम में, तो हमें DDR4 की 16 GB रैम मिल रही है। 512 GB की NVMe SSD हमें देखने को मिल जाती है इसमें। साथ में Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है इसमें। विंडोज़ 11 और ऑफिस 2021 का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ हमें इस लैपटॉप में मिल जाता है। कीबोर्ड की बात करें तो इसमें हमें बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड मिलता है 1.4 mm की ट्रेवल के साथ। इस कीबोर्ड में हमें 3 रेंज की बैकलेट देखने को मिलती है, लो, मिड और हाई। और हाँ, इसमें नमपैड नहीं है, इसी की वजह से ये कॉम्पैक्ट है। कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस कमाल का है, हल्का सा माइनर फ्लेक्स हमें कीबोर्ड पर जरूर देखने को मिलता है। ओवरऑल टाइपिंग वाइज यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस। इस लैपटॉप की बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 50 Wh की बैटरी मिल जाती है, और Asus क्लेम करते हैं 8 घंटे का बैटरी बैकअप। बट मेरे यूसेज में 60Hz रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस 40% पे हमें लगभग 5.5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था। 90Hz विथ 40% ऑफ ब्राइटनेस मुझे 4.5 से 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिला था। तो बैटरी मैं बोलूँगा एबव एवरेज है। Asus को कम से कम इसमें 60 से 65 Wh की बैटरी देनी ही देनी चाहिए थी। तो आई वुड सजेस्ट यूज ब्लैक वॉलपेपर टू गेट मोर स्क्रीन ऑन टाइम। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की मोस्ट अमेजिंग हार्डवेयर, वो है इस लैपटॉप की डिस्प्ले। इस लैपटॉप में हमें 14 इंच का 2880x1800 की 90Hz वाली OLED डिस्प्ले मिलती है 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जिसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है विथ 0.2 ms रिस्पॉन्स टाइम। एंड ये 100% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ आती है। पेंटोन वैल्यूएटेड है, वेजा सर्टिफाइड है, और ये आई केयर डिस्प्ले है विथ 85% ऑफ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। लिटरली मैंने अभी तक इतने स्पेसिफिक फीचर एंड सर्टिफिकेशन लैपटॉप की डिस्प्ले सेगमेंट में नहीं देखा। और हाँ, Asus के फुल HD OLED डिस्प्ले वाले जो लैपटॉप्स आए थे उसमें फ्लिकरिंग इश्यूज था, लोगों ने फ्लिकरिंग इशू बहुत नोटिस किए थे, जबकि 2.8K OLED वाली ये डिस्प्ले में ऐसा कोई भी इशू मैंने नहीं नोटिस किया। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी सेम लैपटॉप खरीदा है, उनके में भी ऐसा कोई भी फ्लिकरिंग इशू नहीं था। गाइस, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फैम कैरिंग अ पोर्टेबल OLED TV विथ मी। इसकी डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है, नॉट इवन माइटी मैकबुक प्रो कैन कम्पीट विथ दिस डिस्प्ले, बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले है। IO पोर्ट्स की बात करें, यही वो सेगमेंट है जहां पर इस लैपटॉप ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। आज इस साल में भी हमें USB 2.0 के पोर्ट्स लैपटॉप में देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो उसमें USB 2.0 का पोर्ट आपको मिल रहा है।
इस लैपटॉप के राइट साइड में हमें पावर कनेक्टर के साथ एक USB 3.2 टाइप ए पोर्ट और एक HDMI पोर्ट, लास्टली 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें दो USB टाइप ए पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर और हमें यहीं पर LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है। टॉप साइड की बात करें तो हमें टॉप में 720p HD कैमरा विथ प्राइवेसी शटर मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है इस लैपटॉप में। ये चीज़ जल्दी किसी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलती गाइस। वाईफाई 6 डुअल मैन जैसा मैंने पहले बताया मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0, यहाँ भी इन्होंने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है। ब्लूटूथ 6.0 देना चाहिए था, तो 5.0 हमें मिल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे यही सब जगह पे कॉस्ट कटिंग एसोस ने करी है। हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट एंड काफ़ी फास्ट है। और गाइस एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को इस लैपटॉप में लगी है, वो है इसका माइक। इसमें जो माइक मिल रहा है उससे जो ऑडियो निकल के आ रही है वो बहुत ही अच्छी है, और ये रहा इसका टेस्ट ऑडियो का। अब एक बार माइक भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जो अभी आप वॉइस सुन रहे हो, ये इस लैपटॉप के डिफॉल्ट माइक से रिकॉर्ड की जा रही है, और मैं समझता हूँ माइक की क्वालिटी आज तक मैंने जितने लैपटॉप यूज करे हैं इससे बेटर मेरे को आज तक किसी लैपटॉप में नहीं मिली। इसके माइक की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। स्पीकर की बात करें गाइस, तो मुझे स्पीकर की क्वालिटी मेरे को इसमें अच्छी लगी। जो साउंड आउटपुट इस लैपटॉप से निकल के आता है उसमें हल्की सी बेस लगती है मुझे, तो ये कोई फ्लैट ऑडियो आउटपुट नहीं देता है, जो कि मतलब अच्छी है। साउंड इसका हार्मन गार्डन का है। तो गाइस गेमिंग की बात करें तो इस लैपटॉप को मैं स्ट्रिक्टली गेमिंग के लिए कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो डेडिकेटेड GPU वाला वर्जन जो आता है उसके लिए जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लैपटॉप गेम नहीं चला पाएगा। इसमें मैंने कुछ इंडी गेम्स जरूर ट्राई करे हैं, और ये गेम्स वही गेम्स हैं जो CPU सेंट्रिक होते हैं, क्योंकि इसमें IGPU लगा हुआ है ना, तो ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स वाले जो गेम्स हैं वो इसमें मत खेलना, उससे तुम अपना गेमिंग एक्सपीरियंस भी ख़राब कर लोगे। तो बेटर है वो गेम्स खेलो इस पे जो इस प्रोसेसर वाले IGPU में चल जाए। जैसे इंडी गेम्स अगर आपको कुछ खेलने हैं इसमें, तो वो इंडी गेम्स खेलो, उसमें कमाल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि OLED पर गेमिंग बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। रियली इंडी गेम खेलते टाइम भी मुझे लैपटॉप में थोड़ा सा हीट महसूस होने लग गया था, राइट साइड पे स्पेसिफिकली हीट हो रहा था। तो ये लैपटॉप बेसिकली गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन आप इसमें नॉर्मली कभी ना कभी कैजुअल गेमिंग, इंडी गेमिंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मीडिया कंजम्पशन की। तो इस सेगमेंट में ये लैपटॉप आपको बहुत खुश कर देगा। लिटरली मूवी देखने का एक्सपीरियंस जो इसमें आपको मिलता है वो कमाल का है। मतलब अगर आपको ये लैपटॉप नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई काम करना है, सर्फिंग करनी है, नॉर्मल डे टू डे टास्क, और बहुत बहुत ही लाइट गेमिंग करनी है, तो मैं ये लैपटॉप आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। जहाँ जहाँ भी ये लैपटॉप अवेलेबल है उस चीज़ की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कैरी केस भी उनको लेना होता है, तो मैं एक अमेजोन बेसिक्स का एक स्लीव है वो मैं रेकमेंड करता हूँ, वही मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इस स्लीव को भी आप खरीद सकते हो। इसका साइज भी आपको सही से लेना है, जो मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में वहीं से वही साइज लेना है, गलत साइज मत लेना। तो गाइस यही थी मेरी रिव्यू Asus VivoBook 14 Pro OLED। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो दो वीडियो सजेशन में आ रही है इन दोनों को भी ट्राई आउट जरूर कर देना। तो गाइस यही थी वीडियो, मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे थे एक्सट्रीम टेक फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।